कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अंकल जी प्लीज आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी कोई अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? अंकल जी मैं फिर से आपको फोन करके अपना पता बता दूंगा, अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो, क्या है अनीता? मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। अरे सुन तो लो, खुशखबरी है, फुर्ती आ जाएगी, काम में और भी मन लगेगा। नो 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 अनीता, डोंट टेल मी कि तुम, देखो अनीता ये गलत है, हम दोनों में कुछ तय हुआ था। अरे तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती अनीता। देखो तुम्हें पता है कि हमारी हालत क्या है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, नशा करके बैठे हो क्या? तुम यही खुशखबरी देना चाहती हो ना कि तुम मां बनने वाली हो? क्या तुमने मुझे पागल समझा है क्या, या तुम पागल हो गए हो? तो फिर क्या बात है? कल रात डैडी ने अभी और सिमी दोनों को घर से निकाल दिया। What? कहीं अब वो हमारे घर तो नहीं आ गए? आकर तो देखें, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। आज शाम को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन सिर्फ तुम और मैं ही नहीं। और कौन? बताऊंगी, अभी तुम काम करो। आंटी जी, अनुज का फोन आया था, पूछ रहा था नीतू को कब लेने जाए। उसे वक्त फेरे के लिए तो आना है ना यहाँ? हाँ, लेकिन बेटा शादी में जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं दादी से बात नहीं करना चाहती। रहने दे नीतू को, नहीं आएगी पग फेरे के लिए, कुछ नहीं होता, माता रानी सब समझती है। पर आंटी जी ये रिवाज है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूं। तो जी खाना कैसा लगा? आपको ये सब्जी पसंद आई ना? मुझे पता था जरूर आएगी। बैठिए बैठिए, आप आराम से खाना खाइए, मैं देखता हूँ। हेलो, मुबारक हो। क्यों? क्योंकि मैं अपने ससुराल में बैठ के खाना खा रही हूँ। नहीं,
इसलिए कि सिमिदी ऐसा ना कर सके। मतलब डैड ने सिमिदी और अभी दोनों को घर से निकाल दिया। पार्टी तो बनती है यार, क्या बोलती है, भेजू अनुज को? फेरे की रस्म के लिए तो तुझे घर आना ही चाहिए ना। अरे भाई को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है फिर, बाय। आप कहीं जा रही हैं नीतू जी? जी घर जा रही हूँ पग फेरे के लिए, रिवाज है। बहू और भी कहीं रिवाज होते हैं, सिर्फ एक रिवाज निभाने से काम नहीं होता है। मेरा तो होता है दादी जी। नीतू तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकती। दादी चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे उनकी माँ की याद आ रही होगी, आप चिंता ना कीजिए, हम जाएंगे उनके साथ। ओमी जी मेरे लिए गाड़ी बुलवाइए। हाँ मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ, आप तैयार हो जाइए। बेटा अंदर जाने का जी नहीं कर रहा, आज जिंदगी में पहली बार अपने ही घर लौटने को मन नहीं कर रहा। बाबा जी हम घर नहीं जाएंगे तो फिर दी कैसे लौटेंगे, हमें उन्हें घर लाना है ना। ठीक कहते हो बेटा, चलिए। मैं क्या पागल हूं जो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, फिर भी बेचारा बार बार मुझसे डर डर के सवाल करता रहा। अनीता तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? अब तू ही बता नीतू, क्या जॉब है अनुज की? जो सैलरी मिलती है उसमें ये घर भी चलाना पड़ता है, उसी में सेविंग भी कर लो, महीना मुश्किल से गुजरता है, ऊपर से बच्चा भी पैदा कर लो। प्रेग्नेंट होना कोई सबके बस की बात थोड़ी ना है भाभी। अरे तुम लोगों ने कुछ लिया नहीं, लो ना मम्मी बेटा। मैं देखती हूँ, तुम कुछ लो ना बेटा। तुम्हें क्या कह रही थी, तुझे पता है? उम्मी आप कुछ लेते क्यों नहीं? रहने दो। अंकल जी खुश रहो बेटा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका, आप लोग तो पता नहीं कहां गायब हो गए। घर में कुछ भी नहीं था, वो तो बेचारी अनीता ने फोन पे सब कुछ मंगवाया। मिली
तुझे तो पता था ना कि नीतू को आना है पग फेरे के लिए। मेरी शादी नहीं हुई है माँ, जो मुझे पता हो कि ये सब भी होता है। हाय ओमी। पापा जी। तेरे तो अब दो दो घर हो गए बेटा, और मेरी सिम्मो अभी और सिम्मो को तेजा ने घर से निकाल दिया। और वो दोनों सड़कों पर भटक गए। अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। माफ कर रहा हूं मैं बेटा, शादी के बाद तुम पहली बार मेरे घर में आए हो और मैं तुम्हारा स्वागत आंसुओं से कर रहा हूं। बाकी सब कुछ तो वैसे भी आपने हमेशा समिति के लिए रखा है ना पापा जी। मिस्टर तनेजा ने रात को ही दी और अभी को घर से निकाल दिया था। सारी रात न जाने कहां कहां भटकते रहे वो दोनों। खाना खाने के तक पैसे नहीं थे उनके पास, मजबूरी में आकर दी को अपना मोबाइल बेचना पड़ा। पापा जी की बात हुई थी सिमी दी से, पापा जी ने उनसे ये भी कहा कि घर आ जाओ, पर दी ने मना कर दिया क्योंकि वो इस घर में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उन्हें नहीं बुलाएंगी माँ। क्योंकि इस घर में आकर वो आपको और नाराज नहीं करना चाहती। जब अपने ऊपर बीतती है तभी पता चलता है ना मिली, नाराज करके किसी को धोखा देकर कोई अपना भला नहीं कर सकता। माइंड ब्लोइंग। चलो चलो चलो। एक मिनट, क्या कहा? मेरे दोस्त का मैसेज आया, उसने अभी भी बुलाया, रहने का ठिकाना भी मिल गया। चलो। एकदम से तुम्हारा कौन सा दोस्त आ गया जो हमारी मदद कर रहा है? मैंने कहा था ना ये दुनिया अभी भी जीने लायक है। चलो चलो। अनुज, पहली बार नीतू घर आई है शादी के बाद, रोज रोज थोड़ी ना आएगी। कम ऑन, जल्दी आओ ना। मेरी बात कराओ, कराओ ना। अच्छा ये लो, बात करो। हेलो, कब घर आ रहे हो? देखो अगर आप जल्दी घर नहीं आए ना तो मैं रोज रोज घर आ जाऊंगी। फिर अगर भाभी को प्रॉब्लम हुई ना तो मुझे मत बोलना। मैं फिर तो आना ही पड़ेगा। चल ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ।
और मैं आधे घंटे में ऑफिस से निकलता हूँ, ठीक है? प्रॉमिस। ओके बाय। क्या बोला? काम कर गई धमकी। तू जी क्या है? घर चले? वो हमें भी ढाबे पे जाना था ना, तो जाइए ना, मैं वैसे भी आपके साथ घर नहीं जा रही हूँ। घर चले? वो हमें भी ढाबे पे जाना था ना, तो जाइए ना, मैं वैसे भी आपके साथ घर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर रहूंगी जब तक मेरा मन करेगा, और प्लीज इसके बारे में मुझे आपसे आगे कोई बात नहीं करनी है। बेहतर यही होगा कि आप दादी जी से फोन ना ही कराएं। क्या हुआ? क्या बात है? वो मजाक आंटी जी, हमारे और तुझे के बीच में मजाक चलता रहता है। तो क्या हुआ, हम भी यही रुक जाते हैं आपके साथ? हम ढाबे से होके वापस आते हैं, ठीक है आंटी जी? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। थैंक यू आंटी जी। तू जी बाय, शाम को मिलते हैं। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना माँ, बस एक दिन मुझे उस पागल से दूर रहना था, पर नहीं। नीतू, लेकिन अब तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। तुझे हम यहाँ कहाँ रहेंगे? कोई हमें किसने ऐसे रखे? जिसने मुझे यहाँ बुलाया कुछ तो सोच समझ कर बुलाया होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पर प्लीज जगह देख लीजिए, बिल्कुल साफ करवा दिए मैंने। सर वैसे तो हम उसे स्टोरूम की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा दी है मैंने। एक मंजी भी डलवा दी है, सर बस वो टॉयलेट बाथरूम है वो रेस्टोरेंट का ही है। जी थैंक यू। सर वो भाई जी भी आ गए हैं सर। ओके ठीक है, आओ समी मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, चलो आओ। मैं उससे ज़रा मिल के आता हूँ।